एक्सप्रेस में दो पालघर के कोचेज लगते थे, लेकिन चूंकि इतना लंबा सफ़र है, कोई पालघर में इतना लंबा सफ़र नहीं करता, तो मेरी बर्थ जो है वो दूसरा एंटर है, बर्थ नंबर 54। तो ये फाइनली खाना आ चुका है जीलन एक्सप्रेस में, तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं जो कि जीलन एक्सप्रेस से मिला है हमें। सबसे पहले ट्राई करेंगे दाल। काला सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, ड्रेस भी बहुत अच्छी है और सफाई भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेज किया उन्होंने, पर ऐसे ही रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही अगर हम लोग इस ट्रेन के किराए की बात करें तो लाहौर से लेकर कराची तक इस ट्रेन का इकोनॉमिक क्लास का किराया है। कुछ देर के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचने वाली है, और अब यहां पर तो बिल्कुल ही 15 मिनट पहले पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है, काफी अच्छा कवर किया है ट्रेन ने टाइम। तो दोस्तों ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में रात के खाने के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाता है, और ये सब मेरे सामने नाश्ता रखा हुआ है। मंजिल जो है वो करीब है, हैदराबाद जा चुका है कराची अनवाल, लेकिन पानी अब देख सकते हैं कि पानी अभी तक डिस्पेंसर में फुल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज मेरे यहाँ पर मौजूद होने का मकसद ये है कि आज तकरीबन एक महीना हो चुका है 5 अप 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को चले हुए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज तकरीबन एक महीने बाद 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में ट्रैवल किया जाए और देखा जाए कि एक महीने बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की सर्विस में क्या डिफरेंस आया है, क्या सर्विस वैसे ही हैं जो एक महीना पहले थी, या और ज़्यादा मज़ीद बेहतर की गई है, या इस ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की सर्विस में कोई लैकनेस आई है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आज हम दोबारा ट्रैवल करेंगे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। और इसके अलावा मैंने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में कोई लॉन्ग जर्नी भी नहीं किया था इससे पहले, जब आपने देखा होगा कि मैंने दो जर्नी तो की थी, लेकिन दोनों जर्नी जो थे वो कराची से रोड़ी और रोड़ी से कराची के थे। तो आज इस ट्रेन में एक लॉन्ग जर्नी भी करेंगे और लाहौर से कराची के दरमियान इस ट्रेन में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी चेक करेंगे। तो फिलहाल जो है वो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ, और यहीं पर लगती है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, और इसके हालात कुछ इस तरह के हैं। सारी ट्रेन जो हैं कराची की वो जा चुकी हैं, और इस वक्त कराची जाने के लिए सिर्फ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस नहीं आना है। तो दोस्तों एक अलग ही वाइब है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है। और इसी के साथ ही अगर हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का जो राइट टाइम है वो तकरीबन 8 बजे का है लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने का, और आधे घंटे तकरीबन ट्रेन का स्टे है यहाँ पे। और फिर इसकी वजह यह है कि ट्रेन में काफ़ी सारे कोचेज़ ऐड किए जाते हैं, लाहौर कोटा के कोचेज़ ट्रेन में ऐड होते हैं, उसके बाद ट्रेन डिपार्ट करती है कराची के लिए। तकरीबन 9 से 10 कोचेज़ जो हैं वो इस्लामाबाद से लग के आते हैं ग्रीन एक्सप्रेस में, और तकरीबन 9 से 10 कोचेज़ जो हैं लाहौर से लगाए जाते हैं कराची के लिए। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के, सन्नाटा इसलिए क्योंकि सारी ट्रेन जा चुकी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अभी मैं जा रहा हूँ कोई कुछ खाने पीने हल्के से रिफ्रेशमेंट, ये रेस्टोरेंट मुझे दिखा है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो रेल गवाना रेस्टोरेंट, तो इस रेस्टोरेंट में हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो हल्की फुल्की भूख में जो है वो हल्का फुल्का सैंडविच सही रहता है। खैर 200 रुपये का सैंडविच है, उसमें चिकन लगी हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि चिकन जो है सिर्फ आगे आगे लगे हुई है, पीछे इसमें कुछ नहीं होना। और एक ड्रिंक का है फिलहाल, हल्की फुल्की भूख में यही साफ़ सुथरा यही खाते हैं, फिर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। और ट्रेन में तो वैसे भी खाने को मिलता ही है, इसलिए खाना यहाँ से खा के नहीं जा रहे क्योंकि ग्रीन लाइन का खाना खाना है हमें। चले मैं इतने खाता हूँ, तो कुछ देर में बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों न्यू रेल का वाला रेस्टोरेंट का सैंडविच वगैरह खा लिया मैंने, सैंडविच काफ़ी अच्छा था और सबसे बड़ी बात साफ़ सुथरा था। और 200 की अगर हम बात करें तो स्टेशन पर तो वैसे ही चीज़ें महंगी मिलती हैं, लेकिन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था और साफ़ सुथरा बना हुआ था सैंडविच, तो खा लिया है हल्का फुल्का, पेट भर गया है। ट्रेन जो है हमारी 8 बजे तक आएगी, और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 7:05 और 10 मिनट लेट चल रही है ट्रेन, तो तकरीबन 8:15 का इसमें टाइम अरावल आ रहा है पाकिस्तान रेलवेज की एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों 8 बजने में आप देख सकते हैं कि 5 मिनट रह गए हैं, और अभी मैंने देखा है तो ट्रेन शादरा के करीब है और तकरीबन 8:05 तक पहुंच जाएगी, और Jio 20 के साथ उड़ती हुई आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन है तो उड़ते हुए तो आना ही है। खैर अब तकरीबन ऑन टाइम है ट्रेन, और मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट जो लेट होगी ये लाहौर से 5 मिनट पहले चलेगी और अपने राइट टाइम पर, और अपने राइट टाइम को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेगी। और कराची कितने बजे पहुँचेगी ये तो खैर बाद में पता लगेगा, तो अभी मैं एंड पर जा रहा हूँ अपनी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का अराइवल कैप्चर करने के लिए।
तो दोस्तों ये अनाउंसमेंट हो चुकी है सिक्स जॉन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, वही बात जो मैं आपको तकरीबन 1 घंटा पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये आ चुकी है मार्गला और कराची के दरमियान चलने वाली सिक्स जॉन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस GEU20 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है। इसका नंबर है 4562 जो कि ट्रेन को सिर्फ मार्गला से लाहौर तक लीड करेगा। यहाँ से GU40 लगाया जाएगा ट्रेन में, काफ़ी सारे कोचेस भी ऐड किए जाएंगे और फिर ट्रेन डिपार्ट करेगी कराची के लिए। ग्रीन एक्सप्रेस और मेरा कोच जो है कोच नंबर 4, 2 इकोनॉमी क्लास और 1 ब्रेकमैन, यानी कि टोटल 2.5 इकोनॉमी क्लास के कोचेस के साथ आई है ग्रीन एक्सप्रेस। और मेरा जो है मेरा कोच नंबर 4 है। अब मुझे देखना यह है कि कोच नंबर 4 क्या इस्लामाबाद कोटे में है या फिर लाहौर से लगाया जाएगा। आई थिंक सो कि लाहौर कोटा में है। यस, लाहौर कोटा में है तो वो आगे लगेगा, 1 और 2 पीछे लगे हुए हैं इकोनॉमी क्लास के कोचेस। झगड़ाई भी साफ साथ हो रही है, देख सकते हैं आप किस तमाम शीशे साफ किए जा रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ जो कि होपफुल इंजन के पीछे होगा। तो दोस्तों पहले ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में 2 पायलट कार के कोचेस लगते थे, लेकिन चूंकि इतना लंबा सफ़र है कोई पायलट कार में इतना लंबा सफ़र नहीं करता, तो इसीलिए अब सिर्फ 1 पायलट कार का कोच ट्रेन में रहने दिया है जबकि दूसरा पायलट कार का कोच ट्रेन से निकाल लिया गया है। तो ये आ रहे हैं लाहौर कोटा के कोचेस ट्रेन में अटैच होने के लिए। कोचेस में है मेरा डब्बा आज का, ऐसे कनेक्ट होता है कोचेस और दोनों जो है पुराने वाले CNR के कोचेस, यानी कि दोनों बिजनेस क्लास के कोचेस आई हैं जो कि आपस में अटैच हो रहे हैं और पता मैंने इनके बफर से लगाया है। ठीक मुफा भाई, देख लिए डब्बे जुड़ते हैं। तो मेरा इकोनॉमिक क्लास का जो कोच है वो लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे, यानी कि कोच नंबर 2 लोकोमोटिव जो है GU40 लग चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं खुद पैदल चल के आगे जाऊं जब ट्रेन ने खुद ही पीछे आना है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि कब मेरा कुछ मेरे सामने आएगा और मैं उसमें जा कर चढ़ूँगा, क्योंकि पूरी ट्रेन पीछे जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे कोचेज जो हैं वो आगे तक निकले हुए हैं। तो कोच नंबर 4 या तो ये होगा या फिर इससे आगे वाला, कोच नंबर 4 ये रहा, देख सकते हैं आपके फोन नंबर लिखा हुआ है LED से भी। और यही है आज का हमारा कोच और कराची तक अब यही होने वाला है। तो मुसाफिर जो है फजूल में दौड़े लगा रहे हैं, हालांकि ट्रेन अभी काफ़ी देर तक रुकेगी यहाँ पर। टोटल 19 डब्बों का देखे जो अब लाहौर से कराची के लिए निकलेगा। फिलहाल तो RG 25103 ट्रेन को हॉल कर रहा है, हॉल जब फुल कर रहा है इसके बाद GU40 लगेगा और एक ब्रेकमैन का कोच जो है वो इससे आगे भी अटैच होगा आकर। तो दोस्तों आज हमारी ट्रेन को लीड करेगा कराची शहर का GU40 9053 जो कि ट्रेन ने आपने देखा कि अभी लाहौर से लगाया गया, यानी कि GU20 का बड़ा भाई है ये, अभी लाहौर से लगाया गया है और अब कराची तक यही ट्रेन को हॉल करेगा। और इसकी काबिलियत तो आप सब जानते ही हैं कि कितना पावरफुल लोकोमोटिव है पाकिस्तान रेलवेज का। GU20 9053 इसका नंबर है, कुछ ही देर में सिग्नल होगा और ट्रेन फिर डिपार्ट कर जाएगी कराची के लिए। दोस्तों पूरे 9:15 बजे ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग बल्कि सेकंड डिपार्टिंग उसे भी दे दिया है, ट्रेन डिपार्ट कर रही है। मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ। ये रहा आज का हमारा कोच, लाहौर जंक्शन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और अब अगला हॉल्ट जो है ट्रेन का वो होगा खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके अलावा ट्रेन कहीं भी रास्ते में नहीं रुकेगी। तो ट्रेन चलने के बाद रुक चुकी है एक बार, तो इतने हम अपना कोच देख लेते हैं। ये हमारा आज का कोच इकोनॉमी क्लास का वाटर डिस्पेंसर, सबसे पहले देखने को मिलेगा
मेरा कोच जो है वो मेरी बर्थ जो है वो दूसरा एंटर है, बर्थ नंबर 54। तो इस केबिन में है 54 बर्थ नंबर, अंदर नहीं जा रहा क्योंकि फैमिली वगैरह बैठी हुई है। तो थोड़ा सा चलने के बाद ट्रेन रुक गई, और इसकी वजह यही है कि हर स्टेशन से चलने से पहले कोई ना कोई, हर बड़े स्टेशन चलने से पहले स्पेशली कोई ना कोई जंजीर ज़रूर खींच देता है। ये देखें मुसाफिरों ने जंजीर खींची है और अब आराम से आगे चढ़ रहे हैं, जबकि ट्रेन के जो है वो 2 मिनट ज़ाया हो गए। इस चीज़ से किसी को परवाह नहीं है। तो फाइनली ट्रेन डिपार्ट कर रही है लाहौर जंक्शन से, GU 49053 ट्रेन लेट पर है। दोनों कोचेज जो हैं CRRC के न्यू कोचेज जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट करवाए चाइना से। पीछे AC स्टैंडर्ड, मैं इस वक्त हूँ इकॉनमी क्लास में क्योंकि पिछली बार मैंने पार्लर करके सफ़र किया था, तो इस वजह से आज हम इकॉनमी क्लास का रिव्यू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था न्यू CRRC के कोचेज हैं, CRRC टंक्शन मेड इन चाइना, 2022 में इंपोर्ट किए गए हैं चाइना से कोचेस। और आते ही सबसे पहले ये हिस्सा है पाकिस्तान की नंबर वन ट्रेन BN एक्सप्रेस का, तब के अगर आप इंटीरियर देखें तो काफ़ी साफ सुथरा है। अल्लाह ताला पाक है जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में ले लिया, और इसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्जे में करने वाले ना थे, और बिला शुबा हमको रब की तरफ ले जाना है। वॉशर है इस वक्त लाहौर की वॉशिंग लाइन, ये CRRC कोचेस की आवाज़, ट्रैक साउंड काफ़ी कमाल का। तो अगर आपकी पानी की बोतल जो है वो ख़त्म हो चुकी है तो आपको स्टेशन में इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जो है वो इकॉनमी क्लास से वाटर डिस्पेंसर वगैरह लगा दिए गए हैं, जहाँ से आप आराम से अपनी पानी वगैरह भर सकते हैं। तो मैंने इस वाटर डिस्पेंसर से अपनी बोतल भर ली है पानी की, और अपने तकरीबन 60 रुपये जो है बचा लिए हैं। तो देख रहे हैं आपकी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में ये चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है इकॉनमी क्लास में भी। तो दोस्तों अभी सिर्फ अब ट्रेन चली ही है, और अभी ड्राइवर भी नहीं आया है कि टिकट चेकर साहब जो हैं वो आ चुके हैं टिकट चेक करने के लिए। तो चलो सर, टिकट चेकर वगैरह भाई आ गए हैं, तो चले अब टिकट जो है वो चेक होना शुरू हो गए हैं। अपना भी टिकट मैंने निकाल लिया है। तो अगर सिंगल सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है, काफ़ी आरामदेह सीट है ये, और काफ़ी नरम भी है। इसके अलावा कप होल्डर मौजूद हैं, और नीचे एक अदर जो है वो डस्टबिन दी गई है, साफ सुथरी डस्टबिन है फ़िलहाल। तो बाकी खाना कुछ देर में आता है तो आपको दिखाते हैं। और हमारे जो केबिन है उस वहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस वजह से आगे चलकर अपना केबिन विज़िट करवाएंगे, जबकि केबिन जो है वो साफ़ सुथरा केबिन है, और इसके अलावा हर बर्थ के साथ चार्जिंग सॉकेट भी मौजूद हैं। तो इकॉनमी क्लास में मैंने एक चीज़ अभी नोट की है, और वो ये कि पहले जो इकॉनमी क्लास से फैंस होते थे वो एक ही जगह रुके हुए होते थे, जबकि अब जो इकॉनमी क्लास में फैंस लगाए गए हैं ये 360 अपग्रेड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ हवा फेंक रहे हैं, ये एक ही जगह स्टैटिक पोजीशन में नहीं है। तो बड़ी बेहतरीन स्पीड में ट्रेन इस वक्त आगे बढ़ रही है हमारी G 49053 के साथ। और ट्रेन ने अभी अभी स्किप किया है प्रेम नगर ड्राईपोर्ट रेलवे स्टेशन को। तो जहाँ आपको ट्रेन में ट्रेन दिखा दिए गए, तो आप आ गए वॉशरूम की, वॉशरूम भी आपको एक बार रिव्यू करके दिखा देते हैं। ये कुछ अलग वॉशरूम है,
जैकेट वगैरह है ग्रेड और साथ ही साथ शीशा बाल बाल बनाने के लिए लॉक कर दो गेट पहले ताकि वॉशरूम जो है वो साफ सुथरा है और टोटल भी मौजूद है सबसे बड़ी बात और एक अगर सोप भी मौजूद है और सोप के नीचे जो है वो टिशू भी मौजूद है पानी जो है वो प्रॉपर आ रहा है ताकि अगर तमाम चीज़ों पर जो है ये हम खुद डिपेंड करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं फाइनली खाना आ चुका है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में तमाम मुसाफिरों को दिया जा रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट्री में ही शामिल है यानी कि आपके टिकट के पैसे में इसके पैसे काट लिए जाते हैं थैंक यू पाकिस्तान रेलवेज़ का मोनोग्राम इसके ऊपर लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान रेलवेज इसके अलावा जो कंपनी का नाम है वो है रॉयल फ्रेस जिसकी जाने से खाना दिया जाता है जिसकी सर्विसेज ली होंगे पाकिस्तान रेलवेज़ ने तो रॉयल फ्रेस की सर्विसेज हैं और तमाम जितने भी सर्विस हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में रॉयल फ्रेस की ही हैं तो चलें इसके इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है थोड़ा सा दाल दिख चुकी है हमें तो ये है दाल लेफ्ट से शुरू करते हैं उसके बराबर में चिकन का सालन शायद कढ़ाई लग रही है इसके साथ ही है रोटी एक गुलाब जामुन और साथ ही टूथपिक टूथपिक के साथ एक फॉक है प्लास्टिक फॉक और उसके नीचे एक अगर टिश्यू पेपर तो ये कुछ है इकॉनमी क्लास में रात के खाने में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में तो मैंने तो अभी तक शुरू नहीं किया है लेकिन हमारे सामने बैठे हुए हसनैन भाई ने शुरू कर लिया है खाना हसनैन भाई कैसा लगा खाना बहुत मज़े की दाल दाल अच्छी है और ये चिकन आपने ट्राई किया है अभी नहीं चिकन ट्राई करते हैं चिकन ट्राई करें कैसा टेस्ट है तो इससे पहले आपने ग्रीन लैंड में कभी ट्रैवल किया मतलब जब ये गवर्नमेंट के पास थी उसमें भी ये फ्री खाना वगैरह मिलता था जी तो ये टेस्ट नहीं था ये टेस्ट नहीं था तो आप कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बेहतरी है जी। खाने के आइटम में भी जी बढ़ा दिए गए हैं नानी बहुत प्यार है गुलाब जामुन है जायके का टेस्ट बहुत प्यार है और ये सब टिकट में इंक्लूड है तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में बहुत अच्छा है ऐसे ही होना चाहिए ऐसा इसी में होना चाहिए बाकी ट्रेन से भी होना चाहिए बाकी सब ट्रेन में होना चाहिए इस तरह और साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा गया है आप देखें ऊपर से पूरा पैक करके दिया है शीट लगी हुई है प्लास्टिक शीट तो ये सीन काफ़ी अच्छा है कि सारे खाने को जो है वो ऊपर शीट के ज़रिए पैक कर दिया गया है ताकि खाना गिरे नहीं और बाहर जितने भी मिट्टी के ज़रात हैं ज़ाहिर सी बात है इकॉनमी क्लास में मिट्टी काफ़ी आती है जितने भी ज़रात हैं मिट्टी के वो भी खाने तक ना पहुँच सकें तो ये काफ़ी अच्छा सीन है तो चलें अब खाना शुरू करते हैं जो कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से मिला है हमें सबसे पहले ट्राई करेंगे दाल काफ़ी अच्छा टेस्ट है दाल का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर की बनी हुई है लेकिन ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट में बनी है रॉयल फ्रेस जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट है अब बारी है कढ़ाई की कढ़ाई का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चलती हुई ट्रेन में फ्री में ये खाना मुझे मिलेगा एंड वेल डन पाकिस्तान रेलवे एंड रॉयल फ्रेस और बाकी अगर एसी की कोचेस की बात करें तो एसी की कोचेस में सिर्फ ये पोर्शन जो है यहाँ पे बिरयानी ऐड हो जाती है बाकी मेन्यू जो है पूरा सेम रहता है सिर्फ इकॉनमी क्लास में बिरयानी इंक्लूड नहीं होती बाकी जो मेन्यू है ब्रेकफास्ट का और डिनर का वो सब सेम ही रहता है तो दोस्तों 11:35 पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन को और साहिवाल रेलवे स्टेशन पर PLC चल रही है इस वक्त इसलिए आप देख सकते हैं कि ट्रेन कितना स्लो पास कर रही है तो जैसे ही मैंने खाना खाया तो साहिवाल रेलवे स्टेशन आ गया था तो सोचा कि पूरा फॉरन में से कैप्चर कर लें और आपको दिखाएं रात के हालात स्टेशन के अंधेरा काफ़ी है सिर्फ रेड लाइट से दिख रही है तरफ ये रहा साहिवाल रेलवे स्टेशन U40 ने एक्सप्रे करना शुरू किया है आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी तो इस वक्त हमारे साथ एक और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के मुसाफिर मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सर क्या नाम है सर आपका इरफान सर इरफान भाई आप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि ट्रेन कैसी लगी आपको न्यू कोचेस के साथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत ज़बरदस्त और इसके अलावा अभी खाना
ट्रेन की तरफ से मिला है, बहुत अच्छा था खाना, यानी मेरी सोच से भी बहुत अच्छा खाना, सोच से बढ़कर। अगर आप पैसों में लेते तो ऐसा मिलता कि आपको खाना ट्रेन में सवाजी पैदा नहीं होता। और सर्विस के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत आला सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, ट्रेन भी बहुत अच्छी है और सफाई भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेज किया उन्होंने, ऐसे ही रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खाना जिस तरह आपको मिला क्या? बहुत अच्छा लगा। टेस्ट के हवाले से कैसा? टेस्ट के हिसाब से भी और वैसे भी बहुत अच्छा लगा। और पैकिंग वगैरह जो थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी सोच से बहुत अच्छा था। आप सोच से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैनेज भी बहुत अच्छा किया था, तो उन्होंने सर्व भी बहुत अच्छा किया। तो आपने पहले ग्रीनलैंड में ट्रैवल किया? इससे पहले कभी नहीं किया। तो मतलब आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ग्रीनलैंड में या ट्रेन में ही? ट्रेन में वैसे करता हूँ, ग्रीनलैंड में फर्स्ट टाइम किया। अच्छा अच्छा, मगर मैं मतलब समझता हूँ कि इसमें ही सफ़र करना चाहिए, बाकी ट्रेन में मज़ा नहीं आता। ट्रेन में बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा था माशाल्लाह, एक्सपीरियंस अच्छा था। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ओके सर। तो ट्रेन जो है हमारे इस वक्त बहुत बेहतरीन चल रही है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि 7 मिनट्स अर्ली है ट्रेन, 7 मिनट्स अर्ली, प्लस स्पीड जो है वो 115 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन आगे बढ़ रही है। चीचा वक्त नहीं स्किप किया है अभी ट्रेन ने। तो देखें आपके हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो ग्रीनलैंड एक्सप्रेस की सफाई भी चल रही है साथ साथ। से कुछ देर के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस खानीवाल स्टेशन पर पहुंचने वाली है। खानीवाल उतरने वाले मुसाफिर हजरात अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, गाड़ी खानीवाल स्टेशन पर 20 मिनट स्टॉप करेगी। सफर के लिए पाकिस्तान रेलवे का इंतखाब करने पर इदारा आपका मशकूर है। अस्सलाम। तो हमें खानीवाल पर उतरना नहीं है, लेकिन स्टेशन जरूर कैप्चर करना है, जिसके चलते हम आ चुके हैं दरवाजे पर। बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और कैमरे में कुछ नहीं आ रहा, जबकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ट्रेन ट्रैक चेंज करके प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रही है। इस वक्त मेन प्लेटफॉर्म पर जा रही है ट्रेन। तो ये पहुँच चुकी है ट्रेन हमारी खानीवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। टाइम हुआ इस वक्त 12 बजने में, इसको तकरीबन 10 मिनट है, जबकि ट्रेन का राइट टाइम खानीवाल पर पहुँचने का 12:05 है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें ट्रेन 15 मिनट बिफोर चल रही है इस वक्त, और G49053 के साथ ड्राइवर साहब ने बहुत कमाल की स्पीड में लाया ट्रेन को लाहौर से लेकर खानीवाल तक। तो डाउन में खानीवाल से दो रास्ते आते हैं, एक वो जिस पर हमारी ग्रीनलैंड एक्सप्रेस आ रही है, और दूसरा वो रास्ता जो लाला मूसा फैसलाबाद से होते हुए खानीवाल तक आता है। जबकि यहाँ से अगर हम निकलेंगे तो यहाँ से निकलने के भी दो रास्ते हैं, कि जिसमें एक तो है झानिया से होते हुए लुधरा तक, और दूसरा रास्ता है मुल्तान से होते हुए लुधरा तक। और यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो कॉर्ड लाइन पर चल जाएगी, यानी कि झानिया दुनियापुर के रास्ते से होती हुई लुधरा तक जाएगी। तो काफ़ी कलरफुल स्टॉल्स खानीवाल जंक्शन के। तो ये कुछ हालात है इस वक्त खानीवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के पहुँचने के बाद। तो इसी के साथ ही अगर हम लोग इस ट्रेन के किराए की बात करें, तो लाहौर से लेकर कराची तक इस ट्रेन का इकॉनमी क्लास का किराया है 3550 रुपये सीट के साथ, और बर्थ के साथ है 3650 रुपये। इसके अलावा एसी बिजनेस, एसी पार्लर और एसी स्टैंडर्ड का क्या किराया है, ये सब आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाकी इसके अलावा हाल ही में मैंने 7UP तेजगाम एक्सप्रेस में सफ़र किया था कराची से लेकर लाहौर तक, तो उसका इकॉनमी क्लास का किराया था कराची से लेकर लाहौर तक 3200 रुपये बर्थ के साथ। तो अगर मैं 450 रुपये और डालता तो मैं ग्रीनलैंड एक्सप्रेस में ट्रैवल करता, और इसका मुझे बस फ़ायदा ये होता कि एक तो मेरे जहाँ तेजगाम के 18 स्टॉपेज थे वो 18 से कम होकर सिर्फ 4 या 5 हो जाते, और इसके अलावा मुझे जो है वो खाना भी फ्री मिलता, रात का खाना भी फ्री मिलता, और सुबह का नाश्ता भी जो है वो फ्री मिलता सिर्फ 450 रुपये ज़्यादा देने से। खैर तेजगाम का किराया जो इन्होंने बढ़ाया है ये बिल्कुल मेरी नज़र में फजूल है, क्योंकि ट्रेन के इतने ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं और किराया जो है वो इतना ज़्यादा रख दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खानीवाल जो है ये ग्रीनलैंड एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ऊपर भाई जो है वो ट्रेन में पानी भर रहे हैं, और इसके बाद जो है ट्रेन में फिर रोड़ी जंक्शन पर ही पानी भरा जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक और पैसेंजर मौजूद है ग्रीनलैंड एक्सप्रेस के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बेहतरीन सर, आपकी तारीफ़। आप
अब्दुल खालिद। तो सर आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? मैं लाहौर से कराची। तो सर आपने इससे पहले जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस चलती थी, मतलब पुराने कोचेज वाली, उसमें आपने ट्रैवल किया था पहले? जी जी, ये नंबर ऑफ टाइम है। अच्छा जी, तो कहाँ से कहाँ तक का किया था उसमें आपने? उसमें भी ऐसे ही लाहौर से कराची, कराची से लाहौर। तो उस ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में और ये जो अब न्यू कोचेज ग्रीन लाइन एक्सप्रेस चल रही है, इसमें आपने क्या फ़र्क पाया है? ये इन्होंने अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई किया है जी। वो इस तरह किया है कि एक तो जो है ना अमला उनका लगता है बड़ा इखलाक वाला, उन्होंने भर्ती किया है जी। कि लोगों से इखलाक से बात करते हैं, हर जब भी किसी को मिल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम करते हैं जी। और दूसरा है सफाई का बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है, उनके ऊपर चेक भी हो रहा है कि ये वाशरूम इसने साफ़ किया है कि नहीं, फिर दूसरा बंदा आता है उसको चेक कर रहा है जी। तो हमारे लिए तो यही सहूलत होती है ना कि हर चीज़ वहाँ पे अप टू डेट है, उन्होंने आगे खिड़कियाँ चेक की हैं, कोई ख़राब तो नहीं है खिड़की जी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर किया है। काफ़ी बेहतर है। और सफाई का आपने कहा कि काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है जी जी। और खाने के वाले से क्या? खाना भी जो है वो पहले सिर्फ ये बिरयानी सर्व करते थे जी। अभी जो है ना उन्होंने कुछ उसमें ऐड किया है डिशेस, लेकिन वो ये है कि वो खाना ज़रा ठंडा था जी। वो पहले जब होती थी ना वो बिरयानी तो वो बिल्कुल गरम गरम आती थी। अच्छा जी, अभी इस दफ़ा जो है ना खाना ज़रा ठंडा आया, बाकी सब कुछ ठीक। अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट ठीक था, टेस्ट ठीक था। और इन तमाम चीज़ों के अलावा किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है? इसमें जो है ना इन्होंने वहाँ से ट्रेन जो है ना जब मैंने चेक किया था वो पिंडी से आधा घंटा लेट थी। अच्छा जी। तो लेकिन जब वो लाहौर पहुँची है तो उसने बिल्कुल 5 मिनट लेट हुई। हाँ, लाहौर तकरीबन ऑन टाइम थी ट्रेन। हाँ, यानी कि तकरीबन ऑनलाइन थी। और अब जो यहाँ पर तो बिल्कुल ही 15 मिनट पहले पहुँची। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी अच्छा कवर किया है ट्रेन ने टाइम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा, और नाश्ते में देखते हैं कि क्या मिलता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, पूरे 12:25 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टमेंट से ले लिया है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए। आपके सामने ट्रेन तकरीबन 15 मिनट आई थी, तो 15 मिनट ज़्यादा रुकी है ट्रेन आज खानेवाल जंक्शन पर। और अब वक्त है खानेवाल जंक्शन को अलविदा कहने का। यहाँ से ट्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि डाइवर्ट हो जाएगी कॉर्ड लाइन पर, यानी कि जाने के रास्ते जाएगी ट्रेन, मुल्तान नहीं जाएगी। ट्रेन लाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं लगी हुई, और ये रात में तो बहुत अच्छी लग रही हैं चलती हुई सारे कोचेस के पीछे। तो गार्ड साहब ने भी जो है वो ग्रीन लाइट दिखा दी है। चल, अब ट्रेन मूव होना शुरू। तो अब ट्रेन का जो है वो नेक्स्ट हॉल्ट होगा खानेवाल से चलने के बाद भावलपुर रेलवे स्टेशन। तो ये पूरे ऑन टाइम पर छोड़ रही है ट्रेन खानेवाल जंक्शन को। तो बस अब खानेवाल से चलने के बाद सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर सुबह उठना है और फिर पूरे सिंध की कवरेज करनी है तकरीबन, क्योंकि रोड़ी पर जो है वो सुबह हो जाती है, सूरज हमारा रोड़ी पर निकल जाएगा आज के जर्नी का। फिर उसके बाद देखते हैं कितना कैप्चर कर पाते हैं सिंध को। पीछे हमारी ट्रेन के बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है फैसलाबाद के रास्ते से, जो आपको येलो कलर की लाइट दिख रही है। तो सर, हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि डिपार्चर जो है वो हो चुका है। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह। तो दोस्तों, फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो उस वक्त हमारी ट्रेन तकरीबन मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के करीब थी, और एक डेंटल किट मैंने स्टाफ से रिक्वेस्ट करके ले ली थी, जो कि इकोनॉमी क्लास में मुसाफिरों को नहीं दी जाती। लेकिन मेरा डेंटल किट लेने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि एसी के कोचेज में किस तरह की डेंटल किट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और इस डेंटल किट के अंदर क्या क्या होता है यह मैं एक एक करके निकालता हूँ, अब आप लोग खुद ही देख लें। तो मैं ब्रश कर ही रहा था कि मेहराबपुर स्टेशन आ गया, और फिर ब्रश करते करते ही मुझे मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को कैप्चर करना पड़ा।
और जब स्टेशन कैब से कह के मैं दोबारा अंदर गया तो उस वक्त तक बाथरूम में कोई और जा चुका था और फिर मुझे पूरा प्रेस जो है वो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर ही करना पड़ा। तो दोस्तों ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में रात के खाने के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाता है और ये सब मेरे सामने नाश्ता रखा हुआ है कि जिसमें ये एक कहवा है साथ और दो ब्रेड के पीस हैं। इसके अलावा इस बॉक्स में एक अदद अंडा मौजूद है, साथ एक जैम है, बटर है नूरपुर का और एक कैबिटे का साशे है और साथ चीनी है, मतलब चाय आपने खुद बनानी है, बाकी चीज़ें जो है इसमें मौजूद हैं। तो चलें सबसे पहले चाय बनाते हैं उसके बाद नाश्ता शुरू करते हैं। मिलाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है स्पून वगैरह, तो आप इसे मिला सकते हैं। चले इसी से मिला लेते हैं, फिर इसी से मक्खन भी लगा लेंगे, हमने ही तो खाने के सिवा थोड़ी खाना। तो चले अब नाश्ता शुरू करते हैं। भाई आपने किया कैसा लगा नाश्ता? नाश्ता बेहतरीन था, बेहतरीन था, मतलब सर्विसेज का ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लोगों को उन्होंने एट अ टाइम सर्व करना होता है, ठंडा हो गया था, अदरवाइज बहुत बेहतर, अदरवाइज बहुत बेहतर था। और पैकेजिंग वगैरह जो थी, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और हाइजीन का खास ख्याल रखा गया। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा आपको मिलेगा? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा तो वैसे सफ़र होता रहता है जी, लेकिन ये इस तरह का एक्सपीरियंस जो है ना फर्स्ट टाइम अनएक्सपेक्टेड थी और अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छा था। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, असल में कंपेरेटिव अगर आप करेंगे ना कि दुनिया जिस तरह जिद्दत की तरफ जा रही है, लोगों ने इम्प्रूव किया है जी। तो मोटर वे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है जी। तो रोड का इस्तेमाल अब सर्वे के मुताबिक ये सिर्फ एक लास्ट पैच रह गया है। आप पेशावर से कराची तक देखेंगे ना तो सिर्फ सत्थर टू हैदराबाद मोटरवे रह गई है जो इन प्रोग्रेस है। अगर उसके कम्प्लीशन के बाद सारा लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये रेलवे के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए रेलवे को चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम करें ताकि वो अपने लोगों को वापस लेकर आए। पैसेंजर इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली रेल जैसा सफ़र कोई नहीं है। आप रोड पे सफ़र करते तो हैं जितने मर्जी कंफर्टेबल सीट होती हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली जो है ना एक ही वे में नहीं बैठे रहते। ये रेल ही आपको फैसिलिटेट करती है कि आप इसमें बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो मतलब लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, बड़े तो बंदों के लिए ये बेहतरीन सफ़र है। चले जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका नाम? मेरा मोहम्मद रिशाद। मोहम्मद रिशाद भाई बहुत शुक्रिया सर। तो रिशाद भाई हमारे को पैसेंजर थे, इनकी राय से आप आगा हुआ। चले अब मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आपसे कुछ ही देर में मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों सारी वो जगह है जहाँ पर सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, जिस वजह से ट्रैक पूरा डैमेज हो गया था। यानी कि ये इलाका है भिया रोड और पड़ीर के दरमियान का। तो कॉशन जो अभी तक चल रहा है उसी जगह पर। बड़ा अच्छा सीन है। पूरे 10:05 पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ से ट्रेन जो है हमारी वो पीएलसी पास कर रही है, पीएलसी लेते हुए ड्राइवर साहब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त तक आप देख सकते हैं ट्रेन हमारी सिर्फ 8 डिले है, ट्रेन जो है सिर्फ 1 रुकने के बाद ही डिपार्ट कर रही है नवाबशाह से। तो ट्रेन का अगला हॉल्ट जो है वो हैदराबाद जंक्शन ही है जो कब से कुछ देर में आएगा। इसके बाद अगला स्टेशन जो आएगा बड़ा स्टेशन वो शरादपुर का होगा।
और फिर उसके बाद टंडो आदम जंक्शन। किसी ने यहाँ ला के रखी हुई है, मुँह हाथ वगैरह धोया है इससे। और फिर उसके बाद सीन कुछ ये हुआ है कि बाकी जितने भी लोग थे उन सब ने इस बॉटल से मुँह हाथ वगैरह अपना धोया है। तो देख सकते हैं आप, ये पीने का पानी है, ये साफ पानी था पीने के लिए, लेकिन उसे इस तरह इस्तेमाल किया गया है मुँह हाथ धोने के, जबकि आप देख सकते हैं प्रॉपर पानी आ रहा है दोनों देखों में। ये भी नहीं कि अगर पानी ख़त्म हो गया और फिर इसका इस्तेमाल किया गया हो, पानी आ रहा है प्रॉपर, लेकिन फिर भी जो है वो बिजनेस क्लास के इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है मुँह हाथ धोने के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे अपने हाथ में है कि हमें इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये बॉटल जो यहाँ पर रखी हुई है, ये बेसिकली यहाँ इस डिस्पेंसर के बराबर में रखी हुई थी, ऐसा इसलिए है कि अगर डिस्पेंसर की बॉटल में पानी ख़त्म हो जाए तो उसे नीचे से उठाकर इसके ऊपर लगा दिया जाए, ताकि मुसाफिर जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो पानी वगैरह पीने के लिए। लेकिन अब मुसाफिरों का ही हाल देख लें कि मुसाफिर क्या कर रहे हैं। दोस्तों ठीक 11:10 पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करिए टंडो आदम जंक्शन को। लेकिन चलती हुई ट्रेन से रेलवे का नतीजा कितनी बुरी तरह बंदा गिरा है आपके सामने। सिग्नल्स आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रेन के लिए डाउन है, समन सरकार के लिए भी और ग्रीन लाइन के लिए भी। ठीक 12:05 हैं, 6 डाउन गियर एक्सप्रेस GU49053 के साथ पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और कौन से प्लेटफॉर्म पर लेंगे ट्रेन ये अभी देख लेते हैं। हैदराबाद भी जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन निकलती है बदीन के लिए,
इसके अलावा यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती है कोकरो पार के लिए, जो कि मीरपुर पास से होती है कोकरो पार तक जाती है। कोकरो पार यानी कि इंडिया बॉर्डर। तो दोस्तों यही है वो समन सरकार प्लस मारवी एक्सप्रेस जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जिसके साथ हमारी ट्रेन का पहला इलेक्शन होता। तो पहले इलेक्शन होता तो मज़ा आ जाता। ये वाहिद ट्रेन है जो इंडिया बॉर्डर तक जाती है, इंडिया बॉर्डर यानी कि खोखरो पार तक, जो कि बेसिकली ओरिजिनेट होती है कोटरी से खोखरो पार तक। और इस ट्रेन के दो नाम हैं, कोटरी से लेकर मीरपुर खास तक ये ट्रेन समन सरकार के नाम से जानी जाती है, और मीरपुर खास से लेकर आगे खोखरो पार तक ये ट्रेन मारवी पैसेंजर के नाम से चलती है। साथ ही हमारी ट्रेन का भी जो डिपार्टिंग मिसल हो गया है, और हमारी ट्रेन इस वक्त तक तकरीबन सिर्फ 7 मिनट लेट है। तो मुझे नहीं लगता कि 7 मिनट भी कोई लेट होना हुआ, तकरीबन हमारी ट्रेन ऑन टाइम ही है। तो फर्स्ट डिपार्टिंग मिसल हो गया है, सेकेंड डिपार्टिंग मिसल होते ही हमारी ट्रेन यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगी। बाकी सर्विसेज वगैरह तो आपने देखी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में क्या क्या मिलती हैं। इसके अलावा जो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी कराची तक। बस यही था कि रात का खाना, लाहौर से रात का खाना, सुबह का नाश्ता, और इसके बाद जो है अब ट्रेन की साफ सफाई वगैरह आपने देखी, नहीं देखी तो चले एक नज़र मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बाकी ट्रेन जो है वह चलने वाली है, सेकेंड डिपार्टिंग मिसल होते ही ट्रेन मूव होना शुरू, और जितने भी लोग हैं मुसाफिर जितने भी आगे पीछे के हुए थे वो भी बोर होना शुरू। तो चले हम भी बोर होते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। दोनों ट्रेन की सवारी है मारवी प्लस ग्रीन लाइन की, और हमारी ट्रेन का जो है वो नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है डिगडोर जंक्शन, जो कि आज की हमारी मंजिल होगी। ट्रैक चेंज करके ट्रेन प्लेटफॉर्म लाइन से मेन लाइन की तरफ आ रही है। मेन अट्रैक्शन जो है वो है रिवर इंडस, कोटरी ब्रिज जो कि बेसिकली दरिया सिंधी के ऊपर बना हुआ है, तो कब से करेंगे अभी कुछ देर में आएगा, और उसके बाद हमारी ट्रेन एंटर हो जाएगी कोटरी शहर में। कोटरी स्टेशन स्किप करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे कराची की तरफ। ये हमारे मजदूर भाई, इन्हीं के बदौलत आज रेलवे जो है बढ़ावा हुआ है, वरना बड़े लोग जितने भी हैं वो तो बेचारे एसी में बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं वैसे, एसी में बैठकर आराम करते हैं, इससे ज़्यादा मेहनत वाला काम और कोई हो नहीं सकता। बेचारे ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और इसी की वजह से रेल का बढ़िया चल रहा है।
वो जो मेरे सामने से लाइन आ रही है ये है मेन लाइन 2 जो कि कोटी से निकलती है, जिस तरह से कोटी को जंक्शन कहा जाता है, और इसके बराबर में जो आप लाइन देख रहे हैं ये जा रही है सीधा कोटी लोकोशेड की तरफ। ट्रेन हमारी जो है वो शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्किप करेगी कोटी जंक्शन को, बल्कि नहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ डाइवर्ट हो गई है ट्रेन। हमेशा की तरह बिल्कुल डेड स्लो होकर ट्रेन स्किप करने जा रही है कोटी जंक्शन को। तो एक GMU 15-4820 यहाँ पर मौजूद है जो कि शायद अपनी ड्यूटी का इंतज़ार कर रहा है। पानी ढूंढने या खरीदने की जिस पैन से लगा हुआ है यहीं से डायरेक्ट मैंने पानी रात में ही भरा था और दोबारा भरना है। कोशिश आपको बता दूँ जो है वो करीब है हैदराबाद जा चुका है कराची अनवाल, लेकिन पानी आप देख सकते हैं कि पानी अभी तक डिस्पेंसर में फुल है। तो ये नगमे जो है किसी के फ़ोन में नहीं चल रहे बल्कि ग्रीनलाइन एक्सप्रेस के कोच में चल रहे हैं, और ये तमाम कोचेज में इस तरह के नगमे चलाए गए हैं कराची आने से पहले। तो दोस्तों 2:42 पर ट्रेन हमारी स्किप कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ट्रेन का लांडी जंक्शन पर स्टॉप नहीं है, और कराची आने के बाद सबसे पहला स्टेशन जो है बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ से पैसेंजर की बैठिंग है वो लांडी जंक्शन ही है, लेकिन ग्रीनलाइन एक्सप्रेस यहाँ पर नहीं रुकती। तमाम मुसाफिर जो हैं ये 45 का पाकिस्तान एक्सप्रेस के हैं, और पाकिस्तान एक्सप्रेस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। मजी रिवर ब्रिज जिसके ऊपर काफ़ी दिन से कॉशन चल रहा है, और ट्रेन उसी स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है।
दोस्तों पूरे 3 बजे तकरीबन 55 मिनट लेट हमारी 6 आउट ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पहुँच रही है टिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि आपने देखा कि हैदराबाद तक ट्रेन सिर्फ 7 मिनट लेट थी और 7 मिनट लेट से ये 55 मिनट लेट तक जो है जो सफ़र है ये हैदराबाद और कराची के दरमियान ही हुआ है। तो फाइनली आ चुका है टिगरोड जंक्शन, यानी कि आसान अल्फाज में हमारे आज की मंजिल। जो है वो टिगरोड जंक्शन से निकलने के लिए फर्स्ट पार्टी से ले दिया है अपना, तो काफ़ी सारी आवाम उतरी है टिगरोड जंक्शन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से, ट्रेन फाइनली मूव होना शुरू। रेक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं ट्रेन की, कोच नंबर 1 ब्रेक वैन का जो कि इंजन के पीछे है, बाकी उसके बाद पावर वैन, फिर कोच नंबर 3 और 4 दोनों इकॉनमी क्लास के कोचेस जो लाहौर से ऐड हुए हैं ट्रेन में, बाकी उसके बाद एसी स्टैंडर्ड और फिर बिजनेस क्लास के कोचेस। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र लाहौर से लेकर कराची तक 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ये कंप्लीट रिव्यू ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का भी आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आप लोगों से आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।